एसपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस सूची से कांग्रेस काफी नाराज दिख रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस और एसपी के बीच होने वाले गठबंधन पर सस्पेंस बढ़ गया है। दरअसल एसपी की पहली सूची में कई सीटें ऐसी हैं जिसे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के लिए मांगा था, लेकिन एसपी ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। खुर्जा, हापुड़, मथुरा, शामली, स्याना, मुरादनगर, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। वहीं इस बीच सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने आज कहा है कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस का रुख सकारात्मक नहीं है और कांग्रेस केवल 54 सीटों की हकदार है। उनके इस बयान और सपा की पहली सूची जारी होने के बाद माना जा रहा है कि दोनों पक्षों में खटास बढ़ गई है। यह नाराजगी ऐसे वक्त में उभर कर आई है जब यह माना जा रहा था कि दोनों पार्टियां आज शाम को गठबंधन का औपचारिक रूप से ऐलान करने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऐलान के लिए आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का दिल्ली से लखनऊ आने का कार्यक्रम है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के साथ शाम को उनकी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम है, उसमें गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है, लेकिन एसपी के इस कदम के बाद गठबंधन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। तो एसपी के लिस्ट से गठबंधन पर सस्पेंस बढ़ गया है। ऐसे में अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा? क्या कांग्रेस एसपी की शर्तों को मानेगी या फिर अपना अलग रास्ता चुनेगी? ये देखना फिलहाल बाकी होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।